देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं। आजकल कन्नौज और कानपुर पूरे देश की सियासत को लेकर चल रही है। जैसे मैं काबेंद्र नोएडा में बसते हैं, वैसे ही आजकल कुबेर साहब कानपुर और कन्नौज में बसते हैं। तो कन्नौज और कानपुर में जो धनवर्षा हो रही है, उस धनवर्षा के पीछे क्या सियासी आशीर्वाद है, यह हर कोई पूछ रहा है। पहले तो एक जैन पर कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, 200 करोड़ 196 करोड़ मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया, मशीन से गिना गया। एक के बाद एक 30-30 सूटकेस नुमा टीन के डब्बे भर गए, 26 किलो सोना चांदी बेहिसा सब मिलता गया। तो लोगों ने कहा ठीक, अब हो गया, बहुत बारिश हो गई, इतना पैसा तो देखा ही नहीं था। और यूपी में तो 99% जनता ऐसी होगी जिसने इसका 1% भी ढंग से ना देखा, लेकिन इतना सारा पैसा मिलता चला। उस पैसे के बाद कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम पैसों की कमी तो नहीं, लेकिन इसको तुरंत नेताओं ने सियासत से जोड़ दिया। बोला ये तो पीयूष जैन है, पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के इत्र को लॉन्च कर रहे थे। लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आए और बोले कि नहीं नहीं, फैक्ट चेक करते हैं, ये पीयूष जैन हमारे वाले नहीं है, ये बीजेपी के वाले हैं, हमारे वाले तो पुष्पराज जैन पंपी हैं, जो एमएलसी हैं फरखाबाद टाउन से। तो अब बोला ठीक है भाई, ये तो सपा वाले नहीं है। अब सपा वाले थे पंपी जैन, पुष्पराज सिंह पंपी, तो अब वो कहां से बचने वाले थे। लगातार खबरों में फैक्ट चेक के नाम पर बताया गया कि पीयूष जैन अलग है, पंपी जैन अलग है, पीयूष अलग पंपी अलग, दोनों के बीच में एक ही तार है, वो है जैन तार, और जैन तार के साथ एक और मित्र है, वो है इत्र। दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं, लेकिन एक समाजवादी इत्र भी बनाते हैं। पुष्पराज जैन पंपी एमएलसी तो है ही है सपा के, कारोबार बहुत बड़ा है, बड़ा भयंकर कारोबार है, कानपुर में है, कन्नौज में है, मुंबई में है, नोएडा में है, और मुंबई में हेडक्वार्टर है, बंबई में, सपनों की बंबई, वहां हेडक्वार्टर, वहां से दुबई, अमेरिका, तमाम देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे में आज एक बार फिर सियासत करवट ले रही है। आज 31 दिसंबर है, कल से एक नया साल है, एक नई शुरुआत है, लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर को 2021 का आखिरी दिन आज ठीक नहीं बैठा कुछ पुष्पराज पंपी के लिए। अब पंपी क्या रेड पड़ रही है, अब पंपी क्या क्या कुछ मिलेगा, उस पर फैसला जरा देर से आएगा। लेकिन इतना सारा पैसा मिलता जा रहा है, इतना सारा पैसा, जो बच्चे आजकल तो घर बच्चे पड़ोसी से भी नहीं मिल पा रहे। जब बच्चे बचपन में गांव में होते थे, तब गांव में वो चूरन लेते थे, चूरन के साथ नोट मिलते थे। इतना नोट तो उस चूरन की दुकान वाले ने भी नहीं देखा होगा जितना कि नोट अब आजकल ऊपर वाले की कृपा से ये यूपी के कानपुर के कन्नौज के अधिकारी गढ़ देख ले रहे हैं। इनकम टैक्स के साथ तो ये भी जाते हैं। तो इतना सारा पैसा कि कुबेर जी खुद ही जाकर बैठ गए कानपुर में कन्नौज, और इसको लेकर नेता भी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीर कैसी दिखती है, उन तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर कितना पैसा है, कितनी अकूत संपत्ति है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितना पैसा हो सकता है। और इनकम टैक्स वाले तो जैसे टूर पर निकले हैं, ऐसे टूर पर निकले हैं
ऐसे टूर पर निकले हैं कि मानो जहां रुकेंगे पैसा बटोरेंगे। और मेरे चारों तरफ जो पैसा आपको दिख रहा होगा, और मेरे जो चारों तरफ आपको पैसा दिख रहा है, मैं ढक गया हूं पैसे से, लेकिन दरअसल ये पैसा नकली है, ग्राफिक। और जो वहां मिल रहा है आजकल, कन्नौज वाला, कानपुर वाला, वो 100% असली है, 100% असली। इसको लेकर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, एक के बाद एक खिड़की के जरिए दिखाते हैं। सारी खिड़कियां खोल दीजिए, चलिए बाइट सुनवाते हैं आपको, बाइट लगाइएगा। इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहाँ छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गद्दी भरी हुई थी। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। मैं श्री अखिलेश यादव को यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो उस छापे की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। जो जांच एजेंसियां कोई छापा डालती हैं और वह छापे में अगर कुछ बरामद हुआ है और उसको बरामद हुए कुछ घंटे ही अभी बीते हैं और फिर कोई छापे की कार्रवाई 50 स्थानों पर चल रही है, 1 स्थानों पर नहीं, उसमें कन्नौज से लेकर कानपुर से लेकर के दिल्ली और अनेक स्थानों पर आज ये छापे की जो कार्रवाई हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी का स्वयं की कंपनी है, स्वयं का कारोबार है। बाबूजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा होता है वो बताया था, और बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर अडवाणी जी निकले थे, रथ यात्रा निकली थी, किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे, मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु से राम का मंदिर बनने वाला है। तो छोटी छोटी खिड़कियों में पहले 3 खिड़कियां थी, 3 खिड़कियों पे आपको सीएम साहब बोल रहे थे, फिर पूर्व सीएम साहब बोल रहे थे, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम साहब भी बोल रहे थे, और उसके बाद एक बड़ी खिड़की जिसमें देश के गृह मंत्री बोल रहे थे। इतना पैसा
जो आजकल यूपी में बरस रहा है, इसको दो जगह से जोड़ा जा रहा है कि या तो यूपी में इतना पैसा था या फिर चुनाव नजदीक है इसलिए इलेक्शन बाजी के लिए इतने पैसे को रखा गया, स्टोर किया गया ताकि इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब रेड की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग गलत है। और सवाल है तो सवालों के जवाब भी होने चाहिए। जवाब के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से हमारे साथ इंद्रजीत भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कपीश जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। कल तक जब पीयूष जैन जी के यहाँ रेड पड़ी थी तो आपने कहा कि ये पीयूष जैन हमारे वाले नहीं है, ये बीजेपी वाले हैं, मारो रेड। और अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि अभी तो सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। आपने इतनी बार पीयूष जैन का नाम लिया कि पीयूष जैन हमारे वाले नहीं, हमारे वाले दूसरे थे। तो भाई दूसरे वाले को आपने फंसा दिया। आज पुष्पराज जैन पंपी के यहां जो रेड पड़ी, अब क्या करें? देखिए, पहली बात तो हम ये कह दें कि जिसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा और शहर में मेरी तरह वो भी तनहा होगा। हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग घबराते नहीं है ना बौखलाते हैं। जिससे हमारा संपर्क और संबंध है हाथी ठोक के कहते हैं कि हमारा है, और जिससे नहीं है तो उसको आप कहते रहो हमारा नहीं। हमने तो सच्चाई कही कि इन्होंने पी जैन के चक्कर में अपने जैन के यहाँ छापा मार दिया, कंटेनरों में रुपया निकाल लिया, कुछ कंटेनर दिल्ली की तरफ 7 सितारा इनके कार्यालय में चले गए और कुछ स्टेट बैंक में चले गए, और अब उसको सजा नहीं होने वाली है। लिख लीजिए, राइट ओवर में उस पैसे को दिखाने जा रहे हैं, वापस कर देंगे। और अब रह गई बात ये कि हमने जो कहा था वो न्यूज सही थी कि नहीं सही थी। कविंद्र भाई, हमने कहा था कि इनको डालना था हमारे पंपी जैन के यहाँ, जिन्होंने समाजवादी इत्र जारी किया था 9 नवंबर को। वो हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और अच्छे कारोबारी हैं, जिनके बारे में आप अभी वीर गाथा बता रहे थे कि दुबई से लेके हर जगह जाता है। लेकिन इतने बड़े वाले नहीं, जिनकी 45 गुना संपत्ति इस देश में हो गई, जिनके मुद्रा पोर्ट पे 1300 किलो हीरोइन मिली और 9000 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय मूल्य और हीरोइन लापता है। कहां गई, किसके मित्र थे, और वो तो सभी जानते हैं कि अडानी साहब को बढ़ाने वाले कौन है। तो अंबानी साहब बता रहे हैं कि हमारी 4 गुना बढ़ी, इनकी 45 गुना बढ़ा दी और गंगा एक्सप्रेसवे पे भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ा दी। तो सारे पोर्ट बनाए जा रहे हैं। कबीर जी, आज अखिलेश जी ने कहा कि कन्नौज को बदनाम करा जा रहा है। कन्नौज कैसे बदनाम हो रहा है? अब आप एक बात को सोचिए, इस गुजरात के पोर्ट पे हीरोइन मादक द्रव्य मिला 1300 किलो व्हाइट पाउडर, उसको पता ही नहीं चला कहाँ चला, और वो 9000 करोड़ का है। जरा मल्टीप्लाई करके या आप इस पे 197 करोड़ का इनके पाइप में मिला है, इन्हीं के पार्टी के उद्योगपति हैं पीयूष जैन, जो सतव्रत पाठक ने गलत मुखबिरी करी। सैयद सतव्रत पाठक वही है जो इनके सांसद हैं और जिनकी लड़की है पूजा पांडे, जिनका निजी सचिव घूस लेते हुए पकड़ा गया था, इनको देता था पैसा लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये वही सतव्रत पाठक, मैं तो खोल के बताने वालों में से आदमी हूँ और एक एक चीज कह रहा हूँ। हम लोगों को क्या, आप डालते रहो, आपने डाला ना, एक डोला भी लेके आए क्या? मतलब अगर कुछ मिलता भी है तो आपको समस्या नहीं है? हमें क्या समस्या है, हम तो कानून के परिधि में रहने वाले लोग हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन में गलती हुई होगी या गड़बड़ किया गया होगा उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, जैसे आजम खान साहब को आप बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, काफी लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किनारा कर रही है आजम खान साहब पे। नहीं, बहुत बड़े बड़े आरोप है आजम, भैंस चोरी, पुस्तक चोरी है ना, फर्नीचर चोरी, जमीन का भी गबन, बड़े बड़े आरोप, बहुत बड़े। नहीं नहीं, जमीन का गबन तो है ही नहीं, वो तो सरकारी जमीन का ट्रांसफर है। अच्छा। और वो भी शिक्षालय बनाने के लिए। वो तो हमारी सरकार आने दीजिए ना,
बुलडोजर ऐसे पलट जाएगा। अच्छा, सरकार बदल रही है और हमारी जनता बदल रही है, भीड़ से बौखला गए, एक समाजवादी रथ विजय रथ निकल रहा है और इनके छह निकल रहे हैं, उनके भीड़ नहीं जुट रही है, 40 लाख रुपए इनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेने पड़ रहे हैं और 5,000 बस RTO से लेनी पड़ रही है और जनता बिचारी दुखारी खड़ी है, उसको ट्रेवलिंग का मौका नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक, और बावजूद उसके उस बस में सरकारी शिक्षक बैठाए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बैठाई जा रही है और उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, ये किसी से छुपा हो तो बताइए, आपको शासन सहयोग करता है जो शासन में होता है। ठीक है, आईपी सिंह साहब के पास चलेंगे। आईपी सिंह साहब, आपका अलायंस बताया जा रहा है, कहा जा रहा है या इनकम टैक्स जो है या केंद्रीय एजेंसियां जो भी होंगी वो तो दरअसल बीजेपी के साथ अलायंस में आपके कहने पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही रेड मारी जा रही है। पहली बार गलती हो गई, उस गलती का भूल सुधार कर रहे हैं आप, तो पहली बार गलत जैन साहब क्या चले गए थे, अब सही जैन साहब क्या पहुंचे हैं, लेकिन नुकसान कर गए उनका। कारविंदर जी, पहले तो आप हमारा वहां नाम ठीक कराइए, हमारा नाम है कैप्टन आई सिंह भदौरिया। हाँ, आईपी सिंह भदौरिया चल रहा है, समाजवादी इत्र इतना महका कि आज उसने पूरी यूपी जो है ना अपनी बदबू से जो है ना लोग परेशान कर दिए हैं। जिस तरह से समाजवादी इत्र की आज बदबू पूरे उत्तर प्रदेश में फैली फिर रही है, जो है जगह जगह आज दुनिया देख रही कि क्या स्थिति है समाजवादी की। अभी हमारे जो समाजवादी मित्र बड़े हंस हंस के बातें कह रहे थे कि इन्हें इसके ऊपर भी शर्म नहीं है कि समाजवादी नेताओं के यहाँ किस तरह से नोट निकल रहे हैं। समाजवादी जैन क्या निकले ना, पीयूष जैन समाजवादी बोल रही हूँ, आप मैं बीच में बोला नहीं हूँ, शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप यहाँ बोलना पड़ेगा, मैं भी आपके बीच में बोलता रहता, कपीश जी अगर उनका वर्जन नहीं आएगा लोगों को लगेगा कि आप बोलने नहीं दे रहे, उनको बोल लेने दीजिए। भदौरिया साहब रखिए अपनी बात, अरे बौखलाए ना अपनी बात, अरे बौखलाए आप रहे हो, शर्म आपको आना चाहिए। ठीक है भदौरिया साहब, भ्रष्टाचार में डूबने के बाद भी आप हंस रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। कारविंदर जी अब मैं बताऊं, शायद इन श्रीवास्तव जी को पता नहीं होगा, जिस गांव से इनके नेता जी आते हैं, मैं उसी बगल में मेरा ननिहाल है चौहानों में, ठीक है ना, बिल्कुल बगल में 2 किलोमीटर मात्र में, तो मैं नेताजी को तब से सुने नेताजी को मैं तब से जानता हूँ जब इनके पास टूटी साइकिल हुआ करती थी जिसमें स्टैंड भी नहीं था, प्राइमरी के टीचर थे, दीवार से टिका के खड़ी करते थे, आज उनके पास जो है ना प्राइवेट जेट है और बिनके लड़कों पे 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं। ठीक है, अगर इतना सारा ठीक है, अगर भदौरिया साहब अगर इतना पैसा है, प्राइवेट जेट है, हर चीज है, इतना पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, तो उस पर छापा मैं मारूंगा या कपीश श्रीवास्तव जी मारेंगे, अगर वो गलत पैसा है तो बहुत शुरुआत हो रही है तो बोखला क्यों रहा है, इसीलिए तो बोखला रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, इस पर नहीं जाएंगे, ये काफी पुराना हो गया। ठीक है, भदौरिया समाज की बात करेंगे, वो समाजवाद अलग है जो लोहिया के समय का था। ठीक है, अभी आप आज की चर्चा करेंगे। अभी आपने समाजवाद जो कहा, मैं समाजवाद भी बता दें, समाजवाद इनका क्या है? नहीं, समाजवाद की चिंतन बाद में करेंगे, वो छोड़िए, आप ये बताइए। अरे ठीक है, सारे ही सब जो है ना इकट्ठे हो गए, ये समाजवाद है। भदौरिया साहब, डीरेल क्यों, लोहिया जी का समाजवाद है। भदौरिया साहब मैं कन्नौज की बात कर रहा हूँ, आप कपूरथला क्यों जा रहे हैं, आप मुझे इतना बताइए,
कि जो एजेंसियां है बताया जा रहा है कि वो चुनाव में आपके साथ अलायंस करके बैठ गई। इन्होंने उसको घुमाना चाहा। इनकम टैक्स आपकी अलायंस है? इनकम टैक्स के साथ आपका गठबंधन है क्या इनकम टैक्स एजेंसी के साथ? ये मैं जानना चाह रहा हूं बस इसलिए क्योंकि ये लोग कह रहे हैं आपने पहले गलत जगह छापा मरवा दिया, अब उसको भूल सुधार कर रहे हैं ना। तो आज पंपी जैन जी क्या पूछो? हाँ बोलिए चौहान साहब, सुने जो पीयूष जैन थे वो भी इन्हीं के हैं और पंपी जैन है वो भी इन्हीं के। तो सबूत दिखा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। सबूत तो सामने है, सबूत तो सामने है, सबूत तो सामने है, सबूत आप देख रहे हैं इनके सामने है। अरे नहीं ऐसे देखिए, ऐसे नहीं अच्छा लगता, ऐसे नहीं अच्छा लगता भदौरिया साहब। अभी आप कहने लगेंगे कि कपीस जी भी इनके आदमी है, उनके आदमी है, बसपा के आदमी, सबूत होना चाहिए ना कुछ, तो उसके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे। मतलब पीयूष जैन का सारे ही सबूत है सामने, पीयूष जैन का। एक मिनट, अरे एक मिनट सुने आप, अभी दो दिन, ज्यादा पुरानी बात नहीं, दो दिन पुरानी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है ना कानपुर में बहुत बड़ी एक रैली थी, उस रैली को देख के आप ये बोलिए कि ओमिक्रॉन के केसेस जब बढ़ रहे हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी रैली थी। हाँ, आप चौहान साहब या तो मुझे बोलने दे या आप जो है ना जब ये बोले आप बीच में बोले नहीं हो या फिर बोलो कि आप डिबेट में मैं बोलना नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। आप बोलते रहिए, आप मेरा जवाब सुनेंगे कि आप बीच में टोकते रहेंगे? ठीक है, बात बात बोल लेने, आप जवाब सुनते नहीं है, आप ये 10 मिनट अपनी बकवास करते रहे, आप एक बार भी नहीं बोले और मैं बोला हुआ बीच में टोक रहे, आप जवाब देंगे कि सिर्फ टोका टाकी करेंगे? ठीक है 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 ठीक है, बोलिए 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 बदौरे सर। दो दिन पहले जब कानपुर में रैली हुई तो उस रैली को देख के समाजवादी पूरे घबरा गए, और क्या हुआ जैसे ही इन्होंने देखा इनके नेताओं ने क्या किया कि किस तरह से वहां एक भू रचना रची कि किसी तरह से यहाँ जातिगत दंगे कराओ, और इनके छात्र संघ के नेताओं ने अपनी गाड़ी में हमारे बीजेपी के पोस्टर लगा के और इनके नेताओं ने उसपे एक चौराहे पे खड़ी करके खास करके एक जाति बहुबल क्षेत्र में उस पे पथराव शुरू करके उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करके ये चाहते थे कि बीजेपी के नेता आके एकदम दंगा शुरू कर दे, मगर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता शासन में रहने वाले लोग हैं। इसका रेट से क्या मतलब है? मैं आपसे क्या बात पूछ रहा हूं, आप इतना बताइए कि सपा वाले कह रहे हैं वो एक अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा होगी। चौहान आपको डिबेट कराना आती है? आपको डिबेट कराना आती है? मैं क्या कह रहा हूं वो एक अलग, गुजरात में बोल रहे थे आपने क्यों नहीं कहा कि गुजरात पे, गुजरात का इसमें क्या मतलब है, तब आपने क्यों नहीं कहा? आप नाराज मत होइए, मैं आपसे इतना सवाल, आपको डिबेट कराना आती है क्या? इनकम टैक्स किसने बना दिया तुम्हें? इनकम टैक्स एजेंसी जो है, इनको टोका नहीं मुझे टोक रहे हो, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आप नाराज मत होइए। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि आपका अलायंस है क्या जो जांच एजेंसियां हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। अलायंस आपका होगा और इनका होगा, आपका समाजवादी के साथ होगा और इनका जो है ना इन जो है भूपा माफियों के साथ होगा। जब ये गुजरात में हीरोइन पे बोल रहे थे, ड्रग्स पे बोल रहे थे, आपने नहीं टोका कनेक्ट करके। जब मैं इनकी पोल खोल रहा हूं तो आप टोक रहे हैं, आप टोक रहे हैं आप। हाँ ठीक है, तो आप इन्हीं को बुलवाइए ना, मैं चला जाता हूँ डिबेट। मैं आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। सवाल का जवाब देते रहिए, फिर आप बोलते रहिएगा। आप मुझे इतना, अगर आप मुझे बीच में दोबारा, मैं 1% आपको रिटूंगा, मैं 1% आपको रिटूंगा, मैं 1% नहीं आपको रिटूंगा, मैं आपको एक दफा नहीं रिटूंगा, मैं आपको भदौरिया साहब अनुशासन में रहने वाला करता हूं, इनकी तरह नहीं हूं। ठीक है भदौरिया साहब, मैं आपको एक दफा नहीं टोकूंगा, आप मुझे इतना बता दीजिए क्या भूल सुधार की गई है? पहले गलत पंपी जैन के यहाँ छापा पड़ गया था, अब सही क्या मारा गया? जांच एजेंसियां कभी कोई भूल नहीं करती है, जो करती है वो सही करती है, क्योंकि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती है। जो पंपी है वो भी इनका है और पीयूष है वो भी इनका है, क्योंकि दोनों ही उसी मिर्जापुर में है और उसी कानपुर में है जहां अखिलेश सरकार ने भू माफिया, दारू माफिया, रेत माफिया, इनके माध्यम ये धन इकट्ठा किया है, जो इन दोनों के यहाँ जो पकड़ा जा रहा है। और सुनिए, और सुनिए कर्मेंद्र जी, ऐसे एक नहीं है, अभी ऐसे बहुत है, अभी औरों का भी नंबर आएगा, अभी ये घबराए नहीं। अभी तो इनका प्रतीक, इनका जो प्रतीक यादव है ना, उस पर 5-5
5 करोड़ की गाड़ियां हैं, कौन सी इंडस्ट्रियल चल रही है, कहां से आ रही है। हाँ। तो अभी तो बहुत कुछ बकाया है, चिंता मत करिए। डर लग रहा है कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी डर लग रहा है, 5 करोड़ की गाड़ियां है प्रतीक यादव पे, कौन सी इंडस्ट्रियल है प्रतीक यादव के पास जो 5 डर लग रहा है। एक और भैया पर, एक और भैया क्या रेड पड़ने वाली है बता रहे हैं आपको। कितना गोली चलाइएगा, सब अपने ही लोग, घर के लोग। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं एक मिनट, एक मिनट मेरी बात का जवाब दे, एक मिनट एक करण जी मेरी बात का जवाब चाहिए, समय थोड़ा कम है। 5 करोड़ की गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं प्रतीक यादव, इनके पास कौन सी इंडस्ट्रियल है, ये पैसा कहां से आ रहा है, जवाब दे इसका। देखिए इन्होंने 5 करोड़ घटा दिया, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए समय की कमी के कारण, समय की कमी के कारण यही रुकना पड़ रहा है। भदौरिया साहब का ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बहुत सार्थक बहस का मंच था ताकि हम लोग हल्की फुल्की बातचीत कर सके, थोड़ा सा समझने के लिए की थी। बाकी भदौरिया साहब ने कहा, कि इनके पास कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। तो समाज सेवा आजकल एक ऐसा विषय हो गया है, हर कोई समाज सेवा अपनी प्रोफाइल में लगाकर घूम रहा है, और 5 अंगूठियां इस हाथ में, एक मोटी सोने की चैन, बढ़िया लग्जरी गाड़ी हर कोई रखता है, और प्रोफाइल होती है समाज सेवा। हालांकि मैं भदौरिया साहब नाराज हो गए, मैं उनसे बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या पहले गलत पंपी जैन क्या रेट पड़ गई थी, मतलब जो पीयूष जैन निकले, और अब भूल सुधार करते हुए अब असली जैन क्या रेट मारी। हालांकि वो बिफर गए, बात का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने जानने की फिर भी कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।